अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मेरी आज की दिल ला देने वाली स्टोरी का नाम है अर्श कब हिलता है। जब अर्श हिलता है, जब शराब, नाच गाना, मौसीकी, उरियानियत, फहाशी और जना आम हो जाए, जब जुल्म, धोखा, झूठ और ख़यानत, करप्शन का बाजार गर्म हो जाए, जब सूद को कानूनी हसीयत और सनद जवाज फ्राहम करके अल्लाह से ऐलान जंग किया जाए तो अर्श हिलता है। जब इंसाफ का खून हो और जज का कलम बिक जाए, जब मुजरम फतह का निशान बने, जेल से रहा हो और बेगुनाहों को मावराए अदालत कत्ल किया जाए, जब दहशतगर्दी आम हो और सैकड़ों मासूम स्कूल के बच्चों को चंद लम्हात में खून में लथपथ कर दिया जाए, जब बेवाएँ आहो बका करें और यतीमों की फरियादें अरशे अलाही तक पहुँचें तो अर्श हिलता है। जब बिनते हवा की इज्जत नीलाम हो और अपनी बेटी गैरों के हाथों फरोख्त हो, जब गैरों को तवील कैद में मजलूम बेटी को खामोश तमाशाई बनकर देखा जाए तो अर्श हिलता है। जब दाढ़ी और पर्दे का शरई हुक्म को तमस्खर का निशाना बनाया जाए, जब दीने इलाही अपने देश में ही परदेसी बन जाए और शराब, जना, चोरी, कत्ल की शरई सजाओं का मजाक उड़ाया जाए तो अर्श हिलता है। जब अर्श हिलता है तो फर्श भी हिलता है। फिर जलजले धरती को हिलाते हैं, तूफान क़यामत ढाते हैं, वबाएँ फूटती हैं, खून खराबा होता है, दहशतगर्दी जोर पकड़ती है और तबाही और बर्बादी का एक तवील सिलसिला होता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इस होलनाक बर्बादी से अगर कोई चीज़ हमें बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तौबा, इस्तग़फ़ार और अपने अहवाल की इस्लाह है। प्लीज़ मेरी वीडियो को गौर से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। जज़ाकअल्लाह।